हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल से। तो डी फार्मा स्टूडेंट, आप लोग जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ड्रग स्टोर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट सिलेबस से ये जो है लिया गया है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट ऑफ ड्रग्स आर टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ ए ड्रग स्टोर्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज बेसिकली द कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिसीविंग एन इन्वेंट्री, व्हाइल कैरिंग कॉस्ट इंक्लूड्स हैंडलिंग वेयर हाउसिंग एंड एलिड कॉस्ट। इम्बैलेंस बिटवीन दीज टू कॉस्ट कैन अफेक्ट द प्रॉफिट एडवर्जली, सो बैलेंस नीड्स टू बी मेंटेन्ड बिसाइड कीपिंग बोथ ऑफ देम एट ए मिनिमम लेवल्स। द पॉइंट, इधर से मेन पॉइंट जो है शुरू हो रहा है। तो आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, और एग्जाम में इसको जो है ब्लैक पेन से जो है ज़रूर लिखिएगा, या तो अंडरलाइन करके जो है लिखिएगा। द पॉइंट एट विच ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ ड्रग्स इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। द पॉइंट एट विच ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ ड्रग्स इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विच कैन आल्सो बी डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्राफ शोन। तो ग्राफ देख लीजिए, इसका बना हुआ है ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ जो है ड्रग्स का। तो जो है ये दिखाया गया है टोटल कॉस्ट जो है ग्राफ में, ये कैरिंग कॉस्ट और ये ऑर्डर कॉस्ट और ये साइज ऑफ ऑर्डर है, ये जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और इधर कॉस्ट ये दिया गया है। तो जो है ये हो गया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर एग्जाम में आप ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसे जो है ग्राफ के साथ जो है ज़रूर प्रेजेंट करिएगा जो है एग्ज़ाम की कॉपी में। इससे होता क्या है, आपको जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलते हैं, एग्जामिनर समझता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है। अगर आप बना के कुछ लिख भी रहे हैं इसके बारे में तो आपका ग्राफ देख के वो समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ा है। इन द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्वड दैट व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्डर इंक्रीज द ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ ड्रग्स डिक्रीज। दिस इज द रिजल्ट ऑफ लार्ज ऑर्डर साइज, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर विल डिक्रीज एंड सिमिलरली द ऑर्डरिंग कॉस्ट, बट एट द सम टाइम्स बिकॉज ऑफ हाई इन्वेंट्री लेवल्स ऑफ ड्रग्स द कैरिंग कॉस्ट इज बाउंड टू इंक्रीज। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस रिजल्ट इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड एट दिस पॉइंट बोथ कॉस्ट्स आर इक्वल एंड द टोटल कॉस्ट इज एट द लोवेस्ट लेवल्स। ये जो है आपका जो है जो हिंदी में बोलते हैं व्याख्या है, वो जो है ये जो ग्राफ बना है उसके बारे में बताया है कि मतलब टोटल कॉस्ट जो है इंक्रीज हो रहा है या इक्वल है। तो टोटल कॉस्ट इक्वल बताया, कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है क्या, ऑर्डर कॉस्ट जो है डिक्रीज हो रहा है, तो वही सब जो है इसमें जो है लिखा गया है। तो ऐसे आप ही लोग, ये आपका जो है फार्मूला हो गया कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फार्मूला। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को क्यू भी जो लिखा जाता है इज इक्वल टू अंडर रूट टू डी ओ अपान एच, वेयर डी इज इक्वल टू डिमांडेड एनुअल क्वांटिटी इन यूनिट्स, ओ इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग प्लेसिंग से फिक्स्ड कॉस्ट, एच और आई सी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ होल्डिंग्स ऑन वन यूनिट्स, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट्स। एंड नंबर टू, कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर्स एनुअल डिमांड अपन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और क्यू। एंड नंबर थ्री, कैलकुलेशंस ऑफ टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, इसमें फर्स्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स डी मल्टीप्लाई पी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम डी अपन ई ओ क्यू मल्टीप्लाई ओ कैरिंग कॉस्ट पर एनम ई ओ क्यू अपन टू मल्टीप्लाई एच टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल का जो है
कितना हो रहा है, तो ये आप जो है इधर टोटल कर सकते हैं। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम का जो है टोटल कर लीजिए, फिर कैरिंग कॉस्ट ऑफ पर एनम का जो है आप इधर टोटल करके, फिर जितना अमाउंट इधर आ रहा है उस अमाउंट को टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में जो है लिखा जाता है। तो आज का वीडियो यही तक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको मैं सारे एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन जो है ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, जिससे आपको एग्ज़ाम देने में आसानी हो। थैंक यू।